बाकी मुझे इलाकों का पता नहीं है, बलूचिस्तान की जो मेजॉरिटी आबादी है वो इस रियासत से लातालुक हो चुकी है। बलोच तशख्स को ऐसा खतरा इससे पहले कभी लाहक नहीं हुआ, और मैं अरसे से कह रहा हूँ बलूचिस्तान में कोई सियासी जमात नहीं है, ये जितनी जमातें हैं ये एनजीओज है। अगर आप सरेंडर करेंगे फिर तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, और अगर सरेंडर नहीं करेंगे कम से कम आपको जो है ये अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने अपनी सरजमीन के लिए, मैंने अपनी गुलजमीन के लिए अपना खून नहीं बहाया। दोस्त अहबाब, मैं एक अदना इंसान हूँ और जो मकाम है उसका मुस्तहिक नहीं, बहरहाल फिर भी शुक्रिया। और हमारे दोस्तों ने इतनी बातें की हैं कि अब शायद कोई गुंजाइश नहीं है और बात करने की। मुख्तसरा मैं ये कहूँगा, एक तो जो मौजू है उसमें मेंशन नहीं है कि उससे मुराद बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं या मरकज़ की हैं। दोनों भी बात करें जी हाँ, और मेरे ख्याल में ये ऐसी बातें हुई हैं जैसे हम एक नॉर्मल रियासत में रहते हैं, जैसे दुनिया में रियासतें होती हैं, वहाँ आइन होता है, पार्लियामेंट होता है, एक निज़ाम चलता है, और हम एक ऐब नॉर्मल दौर से चल रहे हैं, और हम तवील अरसे से एक कन्फ्लिक्ट जोन में हैं। जो कन्फ्लिक्ट जोन होता है उसमें मामलात और तरह के होते हैं, कोई नॉर्मल ज़िंदगी नहीं होती है। और ये कन्फ्लिक्ट जोन कहाँ से शुरू होता है, दरिया आमू के इस तरफ से और बंदर अब्बास तक, कि ये जो कोस्ट है जिसका नाम खान अब्दुल वली खान ने बहरे बलोच रखा था और बाकी दुनिया उसे बहरे अरब कहती है, ये एक कन्फ्लिक्ट जोन है। और इस तमाम जोन में खून का एक दरिया बह रहा है, और उसका नतीजा क्या है, इसमें जो बसने वाले किरड़ों लोग वो लहू लहान हैं, वो नागहानी हालात से दो चार हैं। तो यहाँ मसला तरक्की का नहीं है, किसी की डिमांड नहीं है कि मुझे गैस दो, बिजली दो, नाले बनाओ, सड़कें बनाओ, यहाँ डिमांड ये है कि हमें जीने का हक दो। जहाँ जीने का हक ना हो और जहाँ की बच्चियाँ रोडों पर दरबदर हों और नौजवान पहाड़ों में, सहराओं में खाक बसर हों, तो वो आप नॉर्मल बातें कैसे कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है, बाकी मुझे इलाकों का पता नहीं है, बलूचिस्तान की जो मेजॉरिटी आबादी है वो इस रियासत से लातालुक हो चुकी है, वो उसके किसी लेने देने में शामिल नहीं है। और किसी ज़माने में जब ये फैक्स का दौर था, जो अब ख़त्म हो चुका है, हमें बेशुमार फैक्स आते थे जिसमें लोगों की डिमांडें होती थी, सड़क बनाई जाए, तालाब बनाया जाए, फिल्म बनाया जाए। खुदा की कसम कई अरसे से किसी आदमी की कोई डिमांड नहीं आ रही है। इसका मतलब यह है कि ये जो है हमारे लोग लातालुक हो चुके हैं, वो मायूस हो चुके हैं, और वो एक सर्वाइवल की अपनी जंग लड़ रहे हैं। और ये जो सर्वाइवल की जंग है ये कोई 75 वर्ष की नहीं है, जहाँ तक बलोचों का ताल्लुक है, ये 2000 से जाली एक सर्वाइवल की जंग है। और ये यानी 10-15 लाख किलोमीटर इलाके में ये रही है जंग, और वो अब भी जारी है। और क्योंकि ये जो जंग है, इस वक्त जो दरपेश है, ये बहुत गैर मामूली है, क्योंकि बलोच तशख्स को ऐसा खतरा इससे पहले कभी लाहक नहीं हुआ, क्योंकि इससे ताकतवर दुश्मनों से उसका वास्ता नहीं पड़ा, और उनके पास ताकत है, उनके पास जो है सरमाया है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास असलाह है, और बलोच रहते हैं, उनके पास एक सर है, उस सर के सवा उनके हाथ में कोई गुलेल भी नहीं है। और आप इस बात की दाद दीजिए कि वो उस सर
को कुर्बान कर रहे हैं और अपनी बका के लिए। जब मैं ग्वादर गया पिछले साल, ये सलीम कुर्द भी थे वहाँ, तो उन्होंने कहा यहाँ ऐसी बातें ना करें। तो मैंने कहा ये ग्वादर फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है बलोच मूवमेंट का जो है, ये वो जगह है जब हम्मल कलमती ने जब पहले जो है यूरोप के हमलावरों का मुकाबला किया था और उनको इंडिया धकेल दिया था और शिकस्त दी थी। तो लिहाजा ये उस मजाहमत का मरकज है, तो यहाँ ये बात जरूर होगी। लिहाजा अब चूंकि टाइम बहुत गुजर चुका, बातें तो बहुत हैं, कहानियां भी बहुत हैं, और मैं अरसे से कह रहा हूं बलूचिस्तान में कोई सियासी जमात नहीं है, ये जितनी जमातें हैं ये एनजीओज हैं, ये फंड कलेक्ट करती है, ये पीएसडीपी पर लड़ती है, और ये जो है ये पैसे लेकर नाले और ये स्ट्रीट लाइट लगाती है। इनका कोई पॉलिटिकल कैरेक्टर नहीं है, ये जो अपने को जमातें बोलती है, और यहाँ कोई तख्सीस नहीं है, यहाँ कोई कॉम्प्रेस नहीं है, और यहाँ कोई और तरह का कोई नजरियाती जमात नहीं है। आप लोग गवाह हैं इस बात का, कोई है? सबका एक मकसद है पैसे कमाना और तंजीमें बनाना, नाले साफ करना। अब भला ये कौन सी जमात है? तो और अगर कोई बनाएगा, मैं तो इन पर इत्तेफाक नहीं करता हूँ, मैं किसी जमात को नहीं मानता हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा किसी सियासत से ताल्लुक नहीं है, मेरी एक अपनी आवाज है। तो लिहाजा ये जमातें इररिलेवेंट हैं, इनकी रिलेवेंसी नहीं है, वो आवाम की नुमाइंदगी नहीं करते। लिहाजा आवाम के नुमाइंदे मौजूद हैं, शायद आपको नजर ना आए, लेकिन अब जो है बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, अब आपको सड़कों पर भी नजर आएंगी। और मैंने बहुत पहले लिखा था जब बका की जंग है तो उसमें तख्सीस नहीं होती है जिंस की, तो मैंने ये कहा था कि इसमें ख्वातीन हों, बच्चियां हों या मर्द हों, वो एक तहरीक के कारकुन है, कोई औरत नहीं है, कोई मर्द नहीं है। तो उसका मुजहरा आप आज देख रहे हैं, ठीक है ना, कि ये जो है कोह सुलेमान से और ग्वादर तक और उस तरफ भी जो कई वाकयात होते हैं, जो मगरबी बलूचिस्तान है वो भी एक मकबूजा इलाका है, और वहाँ भी यानी बहुत ज़माने से जुल्म सतम हो रहा है, और उधर भी गाहे बकाए मजामत हो रही है। तो लिहाजा अब सर्वाइवल की जंग में एक बहुत बड़ी कुव्वत जो है वो मजाहमत है। अगर आप सरेंडर करेंगे फिर तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, और अगर सरेंडर नहीं करेंगे कम से कम आपको जो है ये अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने अपनी सरजमीन के लिए, मैंने अपनी गुलजमीन के लिए अपना खून नहीं बहाया। और आखिरी बात यह है कि ये जो बलूचिस्तान है ये बाकी जो मुल्क के लोग हैं उनके लिए एक सूबा है। देखिए ये हमारे लिए सूबा नहीं है, ये हमारी मादर वतन है, ये गुलजमीन है, और हम यानी जो भी लोग हैं, मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं है जो शाह लतीफ का एक शहर है कि सिंदड़ी के लिए कोई सर न दे, ये मायार कौन अपने सर उठाएगा। ऐसे लोग नहीं होंगे जो इस सरजमीन के लिए सर देने से हिचकिचाए। बाकी है इंसान है, इंसान को जो है यानी जिंदगी चाहिए, तरक्की चाहिए, रोड चाहिए, वो तो हमारा हक है, क्योंकि ये हाजी साहब अभी वर्क कर रहे हैं शायद इस पर कि एक हमारे समंदर की फिशरीज की जो आमदनी है 25 मिलियन है। ये जो बड़े बड़े ट्रेलर आते हैं और एक का लाइसेंस 2 बिलियन में है, उसका कोई हिसाब नहीं है, और रिकॉर्डिंग का आपने बेच दिया, और ये बोलते हैं हम सियासी जमाते हैं, और हम जो है वो अराकीन असेंबली है, उस पर एक बहस हुई असेंबली में, सबको कहा गया था कि खामोश रहो, चुप रहो, अंगूठा लगाओ, एक की मिसाल दें कि किसी एक मुंबर ने उस पर बहस की हो, को सवाल किया, ठीक है। तो इसको आप अपना नुमाइंदा समझते हैं, और आपके ख्याल है कि ये कोई गजा मारेंगे हमारे लिए, ये कुछ नहीं करेंगे, आप जो है अपने रास्ते पर चले,
अपने मैंने हमेशा कहा है कि बाकी जो पश्तून हज़ारा और जो भी सेटलर है उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं बलोच की बात करता हूँ। बलोच अपने लीडर खुद है तारीख में, उसके मुख्तलिफ रहनुमा आए हैं, कुछ दूर चले हैं फिर ज़िगज़ैग में इधर उधर गए हैं, वो कौम एक तरफ जा रही है, उसको पता है उसका टारगेट क्या है और उसने कहाँ पहुँचना है और उसके लिए क्या कुर्बानी दे दी है। तो लिहाजा तो ये लोग सियासत करें और आगे बढ़ें, जो भी करें वो उनकी मर्ज़ी, और हम अपने रास्ते पर चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।